बस जोया कब से इंतजार कर रही है, तुम लेट हो रही हो, जल्दी आ जाओ मुस्कान। आ गई। अरे आराम से, आराम से, आराम से। ये क्या, तुमने अभी तक चेंज भी नहीं किया और ये क्या होलिया बनाया हुआ अपना? सोया, मेरे तुम्हारी तरह मजे नहीं है जो मैं सुबह सुबह नाश्ता बना कर दे। मुझे घर से निकलने से पहले घर के 10 काम करने पड़ते, वरना मेरे बाबा पूरा दिन भूखे रहेंगे, है ना बाबा? अरे तुम्हारे चेहरे पे आटा लगा है। कहाँ? यहाँ। चेहरे पे आटा लगा हुआ? कल घी लगा हुआ था। बेटा तुम करती क्या हो? किचन में पराठा बनाते वक्त घी पराठे पे कम और चेहरे पर ज्यादा लग जाता। पापा, क्योंकि तुम उस वक्त कानों में हैंडफ्री लगा के राया। मेरे कहने का मतलब है कि तुम किसी ना किसी से बातों में जो लगी होती हो। तुम भी ना बहुत बातें करती हो। इसमें चेक करो मैंने असाइनमेंट रखा है या नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ, बहुत लेट हो। लंच बॉक्स लिए बगैर मत जाना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पापा आप भी लंच कर लीजिएगा। बेटा इत्मीनान से कर लो, आ रही है, इत्मीनान से कर लो। भाई जी पार्टी हाईवे वाला प्लॉट देने से इनकार कर रही है। उन्हें लगता है कि 2-4 साल रुक जाएंगे तो उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। अबाद वो मेरे लिए प्लॉट नहीं है सिर्फ, बल्कि सोने की चिड़िया है। इस प्लॉट को मैं किसी सूरत अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। भाई जी आप कहें तो उनसे अपने तरीके से बात करें। ना अभी नहीं, प्यार से समझाओ पहले, वरना फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। बेहतर है भाई जी, जैसे आपका हुक्म। मैं एक बार फिर उनसे बात करता हूँ। ये बात, तुम्हारे वालिद साहब मेरे खानदान के बहुत खास थे, इसी तरह तुम भी मेरे बहुत खास हो। मेरा भरोसा कभी ना तोड़ना। शुक्रिया भाई जी, मैं अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लगता है पॉइंट निकल गई। निकल गई तो क्या हुआ, ये बस है ना हम जैसे लोगों की शाही सवारी। अच्छा गुस्सा ना करो, तुम्हारे गुस्से में कहीं बस भी ना निकल जाए। चलो चलो शाबाश, चलो चलो चल मेरा भाई। हाँ बैठ जाओ, तुम बैठो बैठो, ये पकड़ लो। वैसे मुस्कान, अंकल की तबीयत तो आज बेहतर लग रही थी। हाँ लेकिन तबीयत ना रोज रोज खराब होती जा रही है। तीन दफा कहती हूँ कि डॉक्टर चेंज करके देखते हैं, सुनते ही नहीं है, दवाई भी वक्त पे नहीं खाते। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह। देखिए उनका ना ये मत है, अपना सारा ख्याल ही रखते हैं, हर वो बस उन्हें मेरी फिक्र लगी रहती है। उनसे प्यार जो करते हैं होता है।
कुछ नहीं। मेरी शक्ल तुम्हारी माँ से मिलती है या बहन से? क्या हो गया मैडम? टच कर रहे थे ना मुझे। मैंने कब कुछ किया? मैं झूठ बोल रही हूँ। क्यों इल्जाम लगा रही हो? अपनी माँ और बहन को भी ऐसे टच करते होगे ना तुम? क्या कर रही हो? तुम चुप रहो। इन लोगों को छोड़ छोड़ के ना हमने इनकी आदत कर दी है। मेरी तरह अगर हर लड़की के मुँह पे एक थप्पड़ लगाए ना तो फिर इनका मुँह ही सूज जाए थप्पड़ खा खा के। क्या हो गया मैडम, खैरियत है? इतनी देर से खड़े हुए तमाशा देख रहे थे आप और अब पूछ रहे क्या हुआ? इन आवारा और बदमाश लड़कों का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर आप जैसे लोगों का है। आप लोगों की यही खामोशी हमारे माशरे के लिए नासूर बन के रह गई है। आप लोगों की जबान तो है लेकिन हिम्मत नहीं है बोलने की। तुम्हें तो मैं पता क्यों ना मारो, तुम्हें पढ़ने चाहिए। चलो चलो बस स्टॉप आ गया हमारा। चलो दादाजी मैंने आज केक बेक किया है। आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे लाइबा तुम तो कुकिंग के साथ साथ बेकिंग में भी परफेक्ट हो। लाइबा तुम अपनी तारीफें करने में परफेक्ट हो। क्यों दादाजी? जी क्योंकि मैं हूँ ही तारीफ के काबिल। अच्छा दादाजी, दादाजी आप जल्दी से ट्राई करें। मैंने ना बहुत प्यार से आपके लिए कबाब बनाया, पहले आप ये खाएं। बेटा फिलहाल रख दो। नहीं नहीं दादाजी पहले आप केक। अरे भाई फिलहाल तो रख दो। क्या तुम दोनों ने शोर लगाया हुआ है? तुम दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही। अब्बा जी ये लाड कभी आपने मेरे साथ तो नहीं किया। मुझे तो आपने हमेशा से यही सिखाया है कि लड़कियों की आवाजें बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आज क्या हुआ है, आज आप इन दोनों के साथ मिल गए? भाई वो जमाना और था, वक्त वक्त की बात है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तुमने सुना नहीं कि इंसान बुढ़ापे में खुद बच्चा बन जाता है? इन बच्चियों की शरारतों में मेरा दिल लगा रहता है। आओ तुम भी ज्वाइन करो हमें। दादाजी चलो अब आप केक। नहीं पहले आप कबाब खाएंगे। बेटे तरतीब से चलेंगे, पहले नमकीन बाद में मीठा। दादाजी तरतीब यही है बेटा। ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। और पता क्या हुआ? क्या हुआ? आज हमारी वैन छूट गई और हमें बस में ट्रैवल करना पड़ा। और फिर एक अजीब सा आवारा बदतमीज लड़का था जो मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी उसे रख के थप्पड़ लगाया और जूता उतार के मारा। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, इतना क्यों हंस रहे हो? उस बेचारी की तुमने दुर्गत बना दी इसीलिए हंस रहा हूं। तो और क्या करती, बाकी लड़कियों की तरह खामोशी से बर्दाश्त करती है। जो बदतमीजी करता रहता है उसे बर्दाश्त करती रहती है ना। यहाँ मैं ऐसी नहीं हूँ। लोगों की गलत बात बर्दाश्त करना उसे बढ़ावा देने के बराबर होता है। ओके ओके मैडम, मुझे पता है बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप किसी की सही बात भी बर्दाश्त कर लेना वो भी गनीमत है। ऐसे एक बात बताओ, मैं डर नहीं लगता? कभी उस लड़के को ख्याल आए बदला लेने का, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो कुछ भी कर सकते। मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि मैं किसी के साथ कुछ गलत करूं और अल्लाह मुझे उसकी सजा दे। मैं ज्यादती करने वालों में से हो जाऊं
और अल्लाह मेरी रस्सी खींच ली और मैं मुंह के बल गई। इसे क्यों देख रहे हो? इसीलिए मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुस्कान फातिमा अहमद और रेयान शबीर खान, लैला मजनू, तुम दोनों अभी तक यहीं बैठे हुए हो? जी यहीं पे बैठे हैं, कबाब में हड्डी। हाँ अच्छा सुन, मैं जरा जा रहा हूँ, असद के साथ थोड़ा काम है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, बाद में आता हूँ। कुछ खाने को ले आइए, पुराने पैसे निकाल। जी बात नहीं है, थैंक यू सर। सर आप क्यों फिक्र करते हैं, कब्जा मेरे पास है, मैं आपसे कह तो रहा हूँ। सर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ एक सेकंड। हाँ बंदी तो नहीं होगी तुम, दिमाग ठीक है तुम्हारा, क्या किया ये? सॉरी आज से फिसल गया मेरे। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जिस दिन तुमसे निकाह हुआ मेरा, तो शुक्र मनाओ दादाजी ने मेरा तुमसे निकाह करवा दिया, क्योंकि अपने भाई से वादा किया हुआ था। अब तुम जैसी बुड्ढी औरत से कौन शादी करता? 6 साल बड़ी हो तुम मुझसे। तो उस भी मेरा मजाक उड़ा थी। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से आ जाओ हाथ धोकर, खाना बिल्कुल तैयार है। थैंक यू सो मच, आप मेरी यूनिवर्सिटी से आने से पहले ही सारे काम कर लेती हैं। आपको पता है यूनिवर्सिटी से आने के बाद ना मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता। आज तो मुझे बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो, वो भी मुझे कजन नहीं बल्कि अपनी सगी बहन मानती थी। आप हैं इतनी अच्छी, अगर मेरी सगी खाला भी होती ना वो भी मुझसे इतनी मोहब्बत ना करती जितना आप करती हैं। अरे भाई खाला भांजी की मोहब्बत में खलल ना पड़े तो खाना शुरू करें। अरे बिलाल भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कमरे में आराम करते, मैं खाना वहीं ले आती। खाला मैंने बाबा से 1000 दफा कहा है कि डॉक्टर चेंज कर लेते, लेकिन सुनते ही नहीं है। अरे नहीं बेटा, नया डॉक्टर, नई मेडिसिन, नए नए टेस्ट, बिना वजह का खर्चा बेटा। बाबा खर्चे की फिक्र आप बिल्कुल ना करें, मैंने इस बार फैसला कर लिया है कि यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर में एक्स्ट्रा कोर्सेज नहीं उठाऊंगी और साथ साथ का जॉब कर लूंगी। वैसे बड़ी ज्यादती वाली बात है, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और आप ही के इलाज के लिए बेटी को नौकरी करनी पड़े। ठीक कह रही हैं आप। वैसे मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अब्बा जी से जाकर अपनी बीमारी की बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उनके किसी एहसान की, वो लोग जिन्होंने मेरे माँ बाप को गैर समझ के अपने आप से अलग कर दिया, वो लोग जो लोग मेरी माँ के मरने तक पे नहीं आए, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। मुस्कान अम्मी, अम्मी चलें, आप अभी तक ऐसे ही खड़ी हैं, मैं तो समझा आप जाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगी, अच्छा खासा मेरा टाइम जाया कर देती है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें कौन सा जरूरी काम है, सारा दिन तो हमारा गर्दी करते रहते हो, कुछ देर इंतजार कर लोगे तो तुम्हारा कौन सा लाखों का नुकसान हो जाएगा। तुम चुप रहो और जब देखो मुझ पर गुस्सा करती रहती हो। एहसान एक मिनट रुको, बस चादर लेकर आ रही हूँ। जाइए लेकर आइए चादर अपनी। हालांकि खाना तो खा कर जाती ना, टेबल से उठ के जा रही है, खाना भी नहीं खाने देता। लो जी एक और नया पंगा खड़ा कर दिया आपकी भांजी ने,
मैं मजीद आपके खाने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं और अब्बू को भेज रहा हूं, उन्हीं के साथ ही आ जाइएगा। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम अपनी माँ के साथ, और ये पंगा क्या है? इंतहाई बदतमीज आदमी हो तुम शायद भूल रहे हो कि घर के अंदर खड़े हो, अपने आवारा दोस्तों के साथ किसी गली नुक्कड़ पर नहीं खड़े। बस यही चाहती है ना आप कि हर वक्त सब मुझे सुनाते रहे। बिलाल भाई माफ कर दें, बच्चा है, इसकी तो ऐसी आदत है। मैं जा रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, आ जाइएगा आप। मैं जल्दी आएगा वापस। हाँ बिलाल भाई अपना ख्याल रखिएगा। बाबा गुस्सा ना करें। ये तुम देखते का? ये तो है ही बदतमीज, इसने आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इसको मुंह ना लगाया करें। ये आपके लिए कुछ कहे मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा बैठे, चाय लेकर आऊं आपके लिए, ले पानी भी लेकर आती हूँ, गुस्सा नहीं कीजिएगा। बेशर्म बदलिहास, कैसे लगे कपड़े बताओ तो सही। भाई इतना हसीन जोड़ा लाए हैं इस बार आप मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। वेलकम अलिश्बा, नहीं लगा ना अच्छा? नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आप जो पिछले मर्तबा रंग लाए थे इस बार भी वही रंग लिया है। ओके ओके, इन माय डिफेंस मुझे शॉपिंग करनी नहीं आती, तो जो तुम लोगों के लिए पसंद आता है ना वो ले लेता। नहीं भाई कोई बात नहीं, हमारे लिए तो ये भी बहुत है, बल्कि सबसे ज्यादा अहम हमारे लिए ये है कि आप हमसे मिलने आ जाते हैं। अलिश्बा बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, आपको नहीं पता कि हम दोनों आपका कितना इंतजार करते हैं। भाई आप यहाँ रुक क्यों नहीं जाते, यहाँ से भी तो यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, फिर क्या मसला है? यहाँ से रहकर यूनिवर्सिटी तो जा सकता हूँ, पर यहाँ रहकर पढ़ नहीं सकता। पप्पू जी एक सेकंड, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, ये डिफेंस वाले घर के पेपर्स हैं, इसमें एफिडेविट भी है, प्लीज इसे संभाल के रख दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। वैसे कमाल है ना, मेरी भी क्या किस्मत है, इंसान जिंदगी में शादी इसलिए करता है कि उसके घर में जब उसकी बीवी आएगी तो वो आधा घर का काम संभालेगी, और मुझे देखिए छोटे छोटे कामों के लिए आपको सहमत देनी पड़ती है, माजरत। शाज़ीब इसमें मेरा कसूर है, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी औरत का इंतखाब किया है जो नहायत ही फुअड़ और गैर जिम्मेदार है। क्या कह सकती हूँ, मैं रख के आती हूँ। क्या है, चाय या शहद? मैंने तो चीनी कम डाल। क्या हुआ है, सब खैरियत तो है? पूछे से तो मैं नहीं पता है कि शाज़ीब किस किस्म की चाय पीता है। मैंने कम चीनी डाली थी। तो क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं मैं ऐसे नहीं कह रही, कैसे नहीं? तो बहस करने का क्या मतलब है? हाँ बहस कर रही है अपने शौहर से, शर्म नहीं आती? कहने का मतलब ये नहीं था। खड़ी क्या है, खड़ी क्या है, बर्तन था। सच कहूं तो तुम दोनों से दूर नहीं रह जाता, लेकिन वहां होता हूं ना तो लगता है किसी और ही दुनिया में हूं। सांस आती है मुझे। मैं समझ सकती हूँ, हमें पता है आपने यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किस मजबूरी में किया था। इसलिए मैं घर में नहीं आता ताकि इसकी मनहूस शक्ल ना देखनी पड़े। लगता है फिर किसी की शामत आ गई। तुम लोग रुको मैं देखता हूँ। हम भी चल रहे हैं भाई, चलो। मैं
चुप हो जाओ तबस्सुम। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ, वरना तीन लफ्ज बोल कर ना यहाँ से चलता करूंगा। मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं तबस्सुम, चुप हो जाओ, अपनी जान मत जलाओ तुम, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत ढीठ है, जल्दी करो ना, जल्दी करो। मैं कसम उठ के कहती हूँ कि मैंने जय बिल्कुल ठीक। चुप, इससे आगे एक और लफ्ज नहीं। अब अगर तुम्हारी आवाज आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई जी क्या कह रहे हैं यार, अपनी गलती मान तो रही है भाभी, तो क्यों कर रही है सब? बीवी है वो मेरी, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? ठीक है आपका अपना मसला है, आपकी बीवी है तो कमरे में सॉल्व करें ना मसला, सबके सामने क्यों जलील कर रहे हैं? चुप, चुप हो जाओ तुम। मैं उसे प्यार करूं या उसे जान से मार दूं, तुम बीच में नहीं आओगे। हटो, कर दिया ना तुमने शासिब को नाराज, अब खड़ी क्या हो, खड़ी क्या हो, जा जाके उसको मनाओ, चलो जाओ। मैं इसी वजह से इस घर में नहीं आता, नसीर ने बताया था मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ख्याल क्यों नहीं रखते अपना भाई है? हालो, मुझे भी बाबा से यही शिकायत है, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनते, आप इन्हें को समझाएं। क्या कह रही है भाई, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं, क्या कह रही है, क्यों नहीं रखते अपना ख्याल? अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी की खातिर अपना ख्याल रखना भाई, मानता है क्यों नहीं है, सुनता क्यों नहीं है? इसी के लिए तो जी रहा हूं यार, वरना इसके अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन। कहने को तो बहुत बड़ा खानदान है तुम्हारा, इतनी बड़ी हवेली है, सब कुछ है वहां पे, तुमने उन्हें छोड़ा हुआ है, तुमने। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अपना हक लेने की खातिर उनकी नाक में दम करके रख देता। देख भाई बिलाल, मेरी बात का बुरा मत बनाना भाई, तुम अपना नहीं अपनी बेटी का नुकसान कर रहे हो। देखो अपने आप को देखो, हर वक्त बीमार पड़े रहते हो, जिंदगी का भरोसा है किसी की नहीं होता। क्या है तुम्हारे पास, है कुछ? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। देखो इधर देखो, मेरी बात गौर से सुनो, अगर इस हवेली से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाता है तो कम से कम तुम्हारी बेटी का तो फायदा हो जाएगा, उसका ही सोच ले यार, हैं? हाँ।
बाबा बाबा आप दूध पिए तो मैं आपको दवाई दूं। बैठे बेटा, तो मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। बाबा क्या हुआ, आपने मेडिसिन ली थी? बाबा आपने मेडिसिन ली थी ना सुबह? क्या हुआ, इतनी लापरवाही क्यों करते हैं? मैं आपको दवाई ला के देती हूँ। पापा क्या हुआ? पापा पापा आंखें खोलें। पापा उसका पापा मैं फोन पापा 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 आंखें खोलें। हाँ हेलो आपके वालिद साहब को एक माइल्ड सा अटैक हुआ है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, उनकी तबीयत बहुत बेहतर है, मगर आपको बहुत उनका ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, आप जल्द से जल्द वो करवा के उनकी रिपोर्ट मुझे जमा करा दीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैं बाबा से मिल सकती हूँ? जी आप में से कोई एक आके उनसे मिल सकता है। तुम जाके मिलो। लो, मिला वजह परेशान हो रही थी तुम, कुछ भी तो नहीं हुआ है? मिला वजह में तुमने मेरी एक दिन की छुट्टी करवा दी। अल्लाह का शुक्र है ना कि कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मेरी तो एक दिन की तनख्वाह कट गई ना। ठीक है। जाओ खुश रहो, आज से तुम आजाद हो। ये क्या किया आपने? लहबा जी, ये तो भाई जी का कबूतर था, आपने उड़ा दिया। ये कबूतर बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए मैंने इसको पिंजरे से निकाल कर आजाद कर दिया। वैसे भी परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी को भी कैद नहीं करना चाहिए। ये तो फिर मासूम कबूतर था। तुम्हें पता है, जब मैंने इस कबूतर को देखा ना, तो उसकी आंखों में अजीब परेशानी थी। वो मुझसे कहने लगा कि लाइबा मुझे इस कैद से आजाद कर दो, मैं आजाद होना चाहता हूँ, मैं खुली फिजा में उड़ना चाहता हूँ। अच्छा, ये परिंदे आपसे बातें भी करते हैं, ये बोलता भी है? और नहीं तो क्या, इन परिंदों की भी अपनी जुबान होती है, लेकिन इन्हें सिर्फ मुझ जैसे ज़हीन लोग समझ सकते हैं, तुम जैसे बुद्धू नहीं। ठीक कह रही हैं आप लाइबा जी, इन परिंदों की जुबान तो आप ही समझ सकती हैं, मैंने तो इन्हें कभी बोलते हुए नहीं सुना। तुमने मुझे बोलते हुए तो सुना है ना? लाइबा जी, आपने इसको तो उड़ा दिया है, अब शाहजेब भाई जी के सामने शामत मेरी आएगी। क्यों आएगी तुम्हारी शामत? तुम शाहजेब भाई से कह देना कि ये कबूतर तुमने नहीं बल्कि मैंने उड़ाया। नहीं नहीं, ऐसे तो वो आप पर गुस्सा हो जाएंगे। तो एक तो आप सवाल बहुत करती हैं। रहने दें, मैं संभाल लूंगा शाहजेब भाई को। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है, जैसे चंद साल पहले की बात है। एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची मेरी गोद में आई, मैं उसकी उंगलियों की तरफ देख रहा था और उसने
मेरी एक उंगली को मजबूती से थाम लिया। जानती हो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में मेरी सबसे कीमती चीज तुम हो मेरी पूरी कायनात। बाबा बेटा मैं बीमार रहता हूं, पता नहीं कब कहां जिंदगी साथ छोड़ जाए। मेरा मानना है कि मैं अपने जाने से पहले तुम्हारा हाथ किसी मजबूत हाथ में दे दूं। पापा, अब आप ऐसी बातें ना किया करें, आपको कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। आपको कौन सी बड़ी बीमारी है आपको पता है? इस शहर में हर 10 में से 3 लोगों को शुगर और हार्ट की बीमारी होती है। कोई बड़ी बात नहीं है ये, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी माँ होती तो इस वक्त तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रही होती। मैं सोच रहा हूँ कि नसरीन पापा से कहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढे। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे ऐसा नहीं कहते बेटा मुस्कान, जानती हो जब लड़की बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, यही मेरे रब का हुक्म है। मेरी बेटी तो इस काबिल हो गई है कि अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभा सके। तुम अपने घर की हो जाओगी तो मुझे सुकून मिलेगा। रही बात नसरीन आपा की तो मैं उन पे पूरा भरोसा रखता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाएंगी वो। पापा ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को पसंद करती हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बहुत अच्छा लड़का है। हेलो मुस्कान, क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो हुआ है, दुखी दुखी लग रही है। क्यों, फोन पर मेरी वीडियो भी आती है? नहीं तस्वीर नहीं आ रही, लेकिन आवाज से पता लग रहा है कि कुछ हुआ है। अच्छा वीडियो कॉल पे आओ, मुझे देखना है तो। प्लीज रेहान अभी वीडियो कॉल मत करना। मुस्कान कम से कम बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुस्कान मुस्कान ऐसे मैंने कहा ना, मैं बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज़। तुम्हारी इतनी जुरत कि हमारे खानदान की रवायत से बगावत करोगे तुम? देखो बिलाल प्यार से समझा रहा हूं, अपनी जिद छोड़ दो वरना तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा मैं। कुछ नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। एक एक रुपए के लिए इतने धक्के खाओगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। अबा जी मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। मैंने निदा से निकाह इसलिए नहीं किया कि मैं उसे छोड़ दूंगा। और जहां तक रही ठोकरों की बात तो मैं मुश्किलों से नहीं डरता। मुश्किलें तो इंसान को जीना सिखाती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं। यहाँ अकेले क्यों बैठे? मामा याद आ रही है?
नाराज है मुझसे? नहीं। तो फिर मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? वो लड़का क्या करता? वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अभी तो हमारा फाइनल सेमेस्टर है, लेकिन इसके बाद उसका बिजनेस कराता है। बहुत अच्छा लड़का है वो, मेरी रिस्पेक्ट भी बहुत करता है, बाकी लड़कों से बहुत मुख्तलिफ, बहुत जिम्मेदार भी है। अबा, आप प्लीज उससे एक बार मिल लेना, मेरी खातिर, बस एक बार प्लीज।